हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अलीशास किचन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फिश करी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर लोगों को यही लगता है कि मछली खाने से हमारे बाल और आंखें अच्छी रहती हैं, लेकिन इसको खाने से हमारे दिमाग और दिल को भी फायदा मिलता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस विंटर फिश को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। 1 किलो फिश है, इसको गेहूं के आटे से वॉश कर लिया था। आटा लगाकर वॉश करने से फिश में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है और ये बहुत ही अच्छी तैयार होती है। फिश को गूंदे हुए आटे से नहीं, पाउडर वाले आटे से वॉश किया था। अभी हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं। इसके लिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर एड कर दिया है इसको भी, और 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर है इसको भी हमने ऐड कर दिया है। 1 नींबू के रस को भी हम ऐड कर देंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते समय केयरफुल रहिएगा क्योंकि इसके कांटे हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो सारे पीसेस को अच्छे से मिक्स कर दिया है और कोट हो गए हैं सारे पीसेस सभी चीजों से। इसको आधे से 1 घंटे के बीच तक छोड़ देंगे। और अब हमें इसकी ग्रेवी की तैयारी करना है, तो कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे कुछ गर्म मसाले हैं, जिनमें 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 8-10 काली मिर्ची है और 2 तेजपात, 3-4 लौंग है और आधी छोटी चम्मच मेथी दाना है। इनको सॉटे कर लेंगे। इसके बाद 3 बड़ी प्याज का पेस्ट हमने तैयार कर किया था, इसको भी डाल देंगे और लाइट गोल्डन होने तक इसे भून लेंगे। और इसके बाद 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, इसको भी ऐड कर देंगे। 4-5 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। अब 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। सारी स्पाइसेस को अच्छे से भूनना है हमको, तो अच्छी तरीके से हम इसे भून लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून सकते हैं। और हम देखेंगे 10 से 15 मिनट के बाद 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है ग्रेवी को अच्छा सा कलर देने के लिए। दस से 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। सॉल्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। मैरिनेटेड फिश में भी सॉल्ट है तो ग्रेवी में नमक कम ही डालेंगे। अब मसाले को दही के साथ भूनना है, तो 3 बड़ी चम्मच दही का उसको भी हमने ऐड कर लिया है और इसको भून लेंगे हम। 10 से 15 मिनट दही के साथ अच्छे से हमने इसको भून लिया था और अब हम फिश को फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका था और अभी गैस की फ्लेम मीडियम स्लो है हमारी और सारे पीसेस को हम 1 बाय 1 डाल रहे हैं ऑयल में। दोनों साइड्स को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई करना है। अगर आप इसे ठीक से फ्राई नहीं करेंगे तो अदरक लहसुन की रॉ स्मेल इसमें आ सकती है, इसलिए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करें। सारे पीसेस यहाँ पर हमारे फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ मसाले भी अच्छे से भून रहे हैं। सारे पीसेस हमारे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए इतना ही हमें इनको फ्राई करना है। देखिए कितने बढ़िया से ये फ्राई हुए हैं, आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। और लास्ट में हम अपनी ग्रेवी में डाल रहे हैं गरम मसाला। कोई भी डिश आप तैयार करते हैं तो गरम मसाला लास्ट में ही ऐड करें, इससे इसकी खुशबू बरकरार रहेगी। 1 बड़ा ग्लास पानी हम इसमें ऐड कर देंगे
और अब सारे पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। तो सारे पीसेस जा चुके हैं ग्रेवी के अंदर और 5 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। अगर आप शोरबेदार खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और पतली ग्रेवी अगर आपको पसंद नहीं है तो पानी फिर कम डालिए, तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट तक ही इसे हमको कुक करना है क्योंकि फिश को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी फिश करी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा मेरे बताए हुए मेथड से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आपके लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल अलीशास किचन को। बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे रीसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।